नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेज का स्पोर्ट्स पोस्ट में। मुंबई इंडियंस की लगातार हार हो रही है और सवाल पर सवाल उठ रहे हैं, हर कोई हार्दिक पांड्या पर निशाना साध रहा है। और आपको बता दें कि इसी बीच जो खबरें सामने आ रही है और जिसका जिक्र खुद रोहित शर्मा ने किया था, वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि रोहित शर्मा जो है वो टीम के साथ नहीं रह रहे, यानी कि जब जब मुंबई में गेम होता है वो टीम के साथ नहीं रहते, वो अपने घर यानी कि मुंबई के अपने आवास में वो जाकर वहां पर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, जिसके बाद से ही हर कोई रोहित शर्मा के ऊपर सवाल उठा रहा है और उठना भी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस जब से इस सीजन में हम देख रहे हैं कि कभी एक टीम के रूप में दिखी नहीं। बहुत अलग अलग खबरें चल रही हैं कि मुंबई इंडियंस के खेमे अलग अलग बटे हुए हैं और मुंबई इंडियंस क्योंकि लगातार मैच हार रही है और इसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस इस पूरे सीजन में आई, क्योंकि टीम बुरी नहीं है, टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, पर परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं आई जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। और अब तो हार्दिक पांड्या भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है। कल भी एक आसान मैच केकेआर के सामने उनको हारना पड़ा, पर यहाँ पर बड़े सारे सवाल है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। सब कह रहे कि हार्दिक पांड्या द कैप्टन गलत है, ठीक है, बड़ी सारी प्रॉब्लम ट्रोलिंग चल रही है, पर सवाल मेरा एक यहाँ पर रोहित शर्मा और रोहित शर्मा के फैंस से भी होगा कि क्या अगर कप्तान रोहित शर्मा होते तो वो टीम के साथ रहते या फिर अपने परिवार के साथ वक्त बिताते। जब आपकी चीज़ें डाउन है, आपकी टीम एक साथ नहीं है, अगर आप टीम के साथ रहोगे तो चीज़ें क्या होती है कि बेहतर होंगी, टीम बॉन्डिंग होगी, दोस्ती होगी, तो आप उसी तरीके से एज अ टीम वहाँ पर परफॉर्म करोगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप्स साफ साफ बने हुए नजर आते हैं। हार्दिक पांड्या अकेले पड़ गए, ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, केविन पीटरसन से लेकर बहुत सारे लोग ये कह चुके हैं कि हार्दिक पांड्या इज नॉट डूइंग वेल, उसकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ चुका है। और साथ ही अगर देखें तो रोहित शर्मा का सपोर्ट उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा, ऐसा लोगों का कहना है, क्योंकि उन्होंने हार्दिक पांड्या ने इस बात का खुद जिक्र किया था कि चेन्नई वाले मैच में कि एक स्टंप के पीछे खड़ा हुआ है जो पता है कि क्या कैसे करना है। तो क्या लोगों ने सुबह भी सवाल उठाया था कि क्या रोहित शर्मा हेल्प नहीं कर रहे। आपको बता दें कि कल के मैच में भी रोहित शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेले थे, यानी कि वो फील्डिंग करते वक्त मैदान पर मौजूद नहीं थे, हार्दिक पांड्या कैप्टनसी कर रहे थे, वो बाहर के होते, इस पर भी सवाल था। उसके अलावा जो खबर ये भी है कि जब जब मुंबई में मैच हुआ है रोहित शर्मा टीम होटल में नहीं थे, वो अपने घर पर अपने परिवार के साथ रहते थे, मैच शुरू होने से पहले वो आते थे और प्रैक्टिस में भी एक आध घंटे पहले पहुंचते थे, मीटिंग होती थी तो आते थे, अदरवाइज वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताते थे। तो अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अगर वो कप्तान होते तो रोहित शर्मा क्या अपनी टीम के साथ रुकते नहीं, तो क्या एज अ अब वो कप्तान नहीं तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, क्योंकि अब हार हो रही है तो सवाल तो उठेंगे, पर यहाँ पर हार्दिक पांड्या के लिए चीज़ें आसान नहीं है। मेरे साथ इस स्पोर्ट बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।